पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, पूरा देखे, देखने के बाद में केस रजिस्टर्ड करे हैं। अब पता नहीं कुछ अरेस्टिंग हुए हैं या नहीं है, मेरे को उसकी अभी इत्तला नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ और मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी के और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से अपील है कि इस चीज़ों को सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि आने वाले हालात दिन ब दिन शहर के हालात ऐसे चीज़ों से बिगड़ रहे हैं, तो इनको अगर सख्ती से निपटेगी पुलिस ये चीज़ों को तो आगे चल के ऐसे वाकयात नहीं होंगे। अगर इसको ढील देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसे वाकयात होंगे, शहर के हालात ख़राब होंगे, क्योंकि देखिए आप शहर के हालात ऐसे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं को ये अपील करता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से करता हूँ, CM साहब से, होम मिनिस्टर साहब, कि इसको आप लोग सख्ती से निपटिए, ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। ये आप मारे जो बता रहे हैं उसकी एक्चुअल वजह क्या है, किस बात को लेकर ये तनाव हुआ? भाई ये एक मलगी का है, जो मलगी है मशाक की, ओनर है उन्होंने मलगी के, उनका मकान भी उसी को लग के मलगी के, तो उन्होंने मलगी किसी को किराए पे दिए, तो उनके घर के बाजू वालों को ऑब्जेक्शन है कि भाई फलाना कारोबार को मत दीजिए मलगी, वो कोई गैर कोई खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ के, किराएदार है या फिर बाजू वाले जो मारने वाले हैं, इनके घर से चार घर बाद में है उनका घर, चार घर बाद में, इनके घर को लग के भी नहीं है जो उनको ऑब्जेक्शन हो रहा मत दो करके, चार घर बाद में जो घर के बाजू वाले हैं उनको ऑब्जेक्शन है, उनसे जो इन्हों खाली पी लिया है, जो नज़ीर करके है उसका काम वही है, उन्होंने सुबह से शाम तक लड़ना झगड़ना, उससे पड़ोसियां बेजार है, उससे मोहल्ले वाले बेजार है, वो जो मलगी का जो बोल रहा हूँ मैं आपको, उससे चार पांच घर छोड़ के इनका घर है जी, चंचलगुड़ा, चंचलगुड़ा नई सड़क के हैं, ये भी चंचलगुड़ा नई सड़क के हैं लोग अभी।